मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले। हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। वाह प्रभु वाह। उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। इसका बड़ा ही सहज तरीका है, तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है